हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक द्विवेदी। आज बैंकिंग के नए टॉपिक के साथ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी छोटे छोटे से पॉइंट से, छोटे छोटे से बिंदु जिनके बारे में अक्सर यूज किया जाता है। देखिए, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आप UGC नेट कॉमर्स की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं। हम यहाँ पर तो बेसिकली UGC नेट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे हैं, पर यदि हम बात करें बैंक एग्ज़ाम हो गए, अदर एग्जाम हो गए, वहां पर भी क्या है, ये जो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से। अभी रिसेंट के UGC नेट कॉमर्स के पेपर की बात कर लें या इकोनॉमिक्स के पेपर की बात कर लें, तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जो है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से पूछे ही जा रहे हैं। हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से। यदि बात करें तो पहली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो है स्विफ्ट। देखिए, स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है, या ये भी पूछा गया है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, फुल फॉर्म होता है, देखिए, इट इज अ कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑफ बेल्जियम इन फाउंडेड इन 1973। ये वहां की बेल्जियम की कॉर्पोरेट सोसाइटी है जो 1973 में आई थी। जो स्विफ्ट क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और नेटवर्क प्रोवाइड कराता ही है, जिससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं फास्ट वे से, तेजी से अपनी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं और दे सकते हैं। देखिए, स्विफ्ट का बेसिकली काम क्या है, स्विफ्ट जो करती है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है, और वो जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको जिस आंकड़े कलेक्ट करने हैं, डेटा लेना, रिसीव करना, सेंड करना है, तो उसको हम तेजी से सिक्योर्ड वे से पा सकते हैं। पूरे इंडिया भर में कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड भर में स्विफ्ट क्या कर रही है, बैंकों को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करा रही है। अभी पिछली ही एग्जाम जो 2019 में क्वेश्चन आया था फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन थे RTGS, NEFT, IMPS और स्विफ्ट। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर करने की जैसे ही बात आएगी, तो इंटरनेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्विफ्ट का यूज किया जाता है। इसके पहले 15 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं यहां से। 1-2 बार तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी पूछा गया इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपको सॉफ्टवेयर सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे स्विफ्ट जो है बैंकों को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब दूसरी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है IFSC। भाई, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, सब लोग इसका यूज करते हो। IFSC का फुल फॉर्म, LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पूछा गया है इन IFSC एस स्टैंड फॉर, इन IFSC एस स्टैंड फॉर, तो IFSC का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। LT ग्रेड के एग्जाम में इन IFSC एस स्टैंड फॉर पूछा गया था, तो सिस्टम होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए होते, कई बार एक बार IFSC का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया गया था, तो IFSC जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इट इज 11 करेक्टर। देखिए, इस किसी भी IFSC कोड में क्या होगा, IFSC में 11 करेक्टर होते हैं। आप अपने पासबुक पे चेक कर सकते हैं, आपके पासबुक के फ्रंट जो होता है उस कवर पे प्रिंट होता है। इट इज 11 करेक्टर अल्फा नुमेरिक कोड। देखिए, इसमें क्या होंगे, अल्फा नुमेरिक कोड होंगे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इन IFSC हाउ मेनी डिजिट्स, तो इन IFSC 11 करेक्टर, 11 डिजिट, IFSC में 11 करेक्टर पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, अल्फा नुमेरिक होते हैं। इट्स प्रोवाइड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रांच, इट्स प्रोवाइड बाय RBI। इसको कौन प्रोवाइड कराता है, RBI प्रोवाइड कराता है। एक बार ये भी कहा गया था, क्वेश्चन पूछा गया कि IFSC कौन प्रोवाइड कराता है, तो IFSC प्रोवाइडेड बाय RBI, और किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रांच, एक ब्रांच की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए
आईएफएससी आरबीआई देती है। अब बात करते हैं कि आईएफएससी का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप सबको पता है यदि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फंड ट्रांसफर थ्रू ऑनलाइन मोड देन यू मस्ट यूज द आईएफएससी, आपको आईएफएससी यूज करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईएफएससी यूज करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बार क्वेश्चन आया था इन आईएफएससी फिफ्थ करेक्टर इज ऑलवेज, इन आईएफएससी फिफ्थ करेक्टर इज ऑलवेज, तो आईएफएससी में पांचवा करेक्टर जो होता है हमेशा जीरो होता है। जैसे किसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी के डी एन 072766। देखिए ये तो हमारे बैंक का आईएफएससी कोड है, इसके बारे में हमको पता है। ये कितने करेक्टर है, ये टोटल 11 करेक्टर है। जो फिफ्थ करेक्टर है इधर 4 है इधर 5th, ये फिफ्थ करेक्टर जो है ये हमेशा क्या रहता है, इट इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो रहता है। ये जो करेक्टर होते हैं बैंक के बारे में बताते हैं, ये जो है बैंक के बारे में बताते हैं, और इधर जो है ब्रांच के बारे में, ये करेक्टर किसके बारे में डिनोट करते हैं, ब्रांच के बारे में डिनोट करते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका भले स्विफ्ट हो आईएफएससी हो, इनसे क्या है क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आ ही रहे हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे आईएमपीएस क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है, आईएफएससी क्या होता है, माइकर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो क्या होती है, तीसरी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हम माइकर का नाम रख सकते हैं। माइकर, आपने माइकर नंबर भी देखा होगा, माइकर क्या होता है, एम आई सी आर, आपकी पासबुक पर जो फ्रंट पेज होता है उस पर माइकर भी क्या होता है, प्रिंट होता है। माइकर, माइकर बताइए इसका कोई फुल फॉर्म बताएगा, माइकर का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये किस लिए यूज किया जाता है माइकर का, माइकर का ये यूज किस लिए किया जाता है, ये जो चेक्स हमारे होते हैं जो सीटीएस चेक होते हैं उनको जल्दी से क्लियर कराने के लिए माइकर नंबर का यूज किया जाता है। देखिए माइकर में एक बार पूछा गया था, फुल फॉर्म भी पूछा गया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया कि माइकर में कितनी डिजिट होती है, अरे 9 डिजिट, यहां पर कितनी डिजिट होंगी, 9 डिजिट होंगी, वो भी क्या होंगी, टोटल न्यूमेरिक होंगी, टोटल न्यूमेरिक नंबर में होंगे, यहां पे अल्फा न्यूमेरिक ना हो के न्यूमेरिक, आप अपनी पासबुक को चेक कर सकते हैं, 9 डिजिट होगी। और ये कहां पे प्रिंट होती है, इट इज अ प्रिंटेड ऑन बॉटम सेंटर ऑन सीटीएस चेक, जो चेक होता है उसके बिल्कुल बॉटम में आपका जो माइकर होता है वो प्रिंट होता है, इट इज प्रिंटेड ऑन बॉटम सेंटर ऑन सीटीएस चेक, ये इसीलिए यूज किया जाता है कि जल्दी से जो चेक है वो क्लियर हो जाए। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये माइकर मैग्नेटिक इंक कौन सी होती है, मैग्नेटिक इंक जो यूज की जा रही होती है, मैग्नेटिक इंक जो होती है आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड का यूज करते हुए जो है ये प्रिंट किया जाता है। इसमें शुरुआत की जो डिजिट्स है सिटी के बारे में बताते हैं, 9 डिजिट होंगे, और ये सिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 डिजिट होगा, शुरुआत सिटी के बारे में बताता है, बैंक के बारे में बताते हैं, ब्रांच है, ये 3 डिजिट सिटी के बारे में, ये 3 डिजिट बैंक के बारे में, और ये 3 डिजिट ब्रांच के बारे में, इस तरीके ये क्या किया जाता है इसको बताया जाता है। अब चौथी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो चौथी टर्मिनोलॉजी जो है, हम कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है नेफ्ट,
नेफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है इसके बारे में पूछा गया है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या होता है, इन सब के बारे में कई बार नेफ्ट के बारे में पूछा गया है। नेफ्ट जो है नेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर करने की टेक्निक है। इसका फुल फॉर्म होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है कह सकते हैं कि नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का यूज नेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। देखिए नेफ्ट का यूज जो है इंटरनेशनल लेवल पे नहीं किया जाता है, इसका यूज जनरली किस लिए किया जाता है, नेशनल लेवल पे। देखिए यहां पे एक बार पूछा गया था नेफ्ट में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो नेफ्ट में ट्रांजेक्शन जो होता है वो बैचेस में होता है। ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन बैचेस, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 24 आवर्स आर फिक्स्ड फॉर ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड। मिनिमम 0 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स आर फिक्स्ड टू बी ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड। न्यूनतम 0 घंटे भी लग सकते हैं, अधिकतम कितने आवर लग सकते हैं, 24 आवर लग सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो ट्रांजेक्शन किया जाए बैच बनाता है, बैंक जो है बैच में इसको ट्रांसफर करता है। पहले इसकी एक बार पूछा गया था मिनिमम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, दोनों बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखना कि नेफ्ट में नो मिनिमम लिमिट, नेफ्ट में नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। नेफ्ट में ना कोई मिनिमम लिमिट होती है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। यू कैन ट्रांसफर 1000 रुपीज, यू कैन ट्रांसफर 10 करोड़ रुपीज, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है ना कोई मैक्सिमम लिमिट है। पर एक बात याद रखना कि फॉर नॉन अकाउंट होल्डर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50,000 है, वो 50,000 है। नॉन अकाउंट होल्डर के लिए कितनी मैक्सिमम लिमिट है, वो एट अ टाइम ही कैन ट्रांसफर एट 50,000 ओनली। वो जिसका कोई अकाउंट नहीं है वो एक समय पर अधिकतम कितना ट्रांसफर कर सकता है, 50,000 रुपए ही कर सकता है, इससे ज्यादा का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक और एक्सेप्शन केस है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो नेपाल में क्या है, चलती है, और किसी कंट्री में नहीं चलती है, ये याद रखना। केवल हमारी, तमाम आदमी जितने लोग देख रहे हैं या वो सब जानते हैं, नेपाल गए होंगे उसमें से कुछ लोग, कि नेपाल में हमारी जो करेंसी है वो लीगल टेंडर के रूप में यूज की जाती है। वहां की आप करेंसी एज अ एक्सचेंज दे सकते हैं और हमारी इंडियन करेंसी को भी एज अ एक्सचेंज वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ का पैसा वहां ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इंडियन रुपी में ट्रांसफर होगा ना, तो इंडियन रुपी तो नेफ्ट ट्रांसफर करता है, तो नेपाल में ट्रांसफर हो सकता है। तो पर नेपाल में ट्रांसफर आपको करना है, यदि नेपाल को ट्रांसफर करेंगे तो उस कंडीशन में आप एट अ टाइम 50,000 रुपीज से ऊपर नहीं कर सकते हैं, और साल भर में कितनी बार करेंगे, केवल 12 टाइम्स से ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक मनी जो था, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा, या यूज मनी लॉन्ड्रिंग यूज की जा रही थी, नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे थे। तो भारत सरकार के आदेशानुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें क्या कर दिया, इसमें रोक लगा दी। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू ट्रांसफर इन नेपाल ऑन दैट कंडीशन यू कैन ट्रांसफर ओनली 50,000 एट अ टाइम और मैक्सिमम 12 टाइम्स इन अ ईयर, इससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी की बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।